ये देखिए, ये जो किचन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये किचन ऑलरेडी हो चुका है, तो कैसे ये हम लोगों ने बनाया, तो कौन सा वुड, कौन सा हिंज, कौन सा चीज़, कौन सा मटेरियल हमने बनाया है, और इसमें कौन सा सबसे बढ़िया होता है, दाम सही होता है, कम दामी दम कम नहीं होता है, दम सही है तो चीज़ बेहतर, ब्रांड बेहतर होना चाहिए, कौन सा चीज़ मैंने इसमें लाया। और देखिए ये एक वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन ही मैंने क्यों दिया, सब कुछ आगे चलकर हम बताएंगे, लेकिन वीडियो में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 4, 5, 6, 7 ये वीडियो करना पड़ेगा, कौन सा सिर्फ सब कुछ में मैंने आपको हम दिखाएंगे। तो ये किचन कैसे आपको करना है, तो आगे चलिए और चलकर देखिए कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। अभी आप लोग देखिए, ये थर्ड पार्ट में मैंने क्या क्या लाया वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अभी देखिए तो अभी मैं थर्ड पार्ट में मैंने जो चीज़ मैं लाया हूँ वो आप लोगों को सबको चाहिए। आप अगर किचन का अगर कैबिनेट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद अगर खुद बना सकते हो तो खुद भी बना सकते हो। तो मैंने बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके मैंने लाया, ठीक है। इसका रिव्यू मैं पूरा डिटेल्स में बाद में दूंगा, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ थर्ड पार्ट में मैं क्या करूँगा। दूसरे वीडियो है मैंने ये क्यों लाया, तो ये देखिए ये हिंस लाया, ये इसको कहते हैं डेढ़ भाज, वन एंड हाफ भाज फोल्ड, ये हिंस ये कब्जा होता है, और ये फुल भाज ये दो भाज का कब्जा है। ये चाहिए ये मैग्नेट हम लगाएंगे, पल्ला के साथ मैग्नेट लगाएंगे, डोर के साथ मैग्नेट लगाएंगे। तो ये मैग्नेट देखिए, इसका बॉडी प्लास्टिक का है और ये मुझे पसंद नहीं आया, तो ये मैं फिर से दूसरे दुकान से स्टील का बॉडी, ये पूरा बॉडी का स्टील है, पतला स्टील है, लेकिन ये जो है ये आयरन है, ये 4 पीस लाया, ये 8 पीस लाया, पर पल्ला में 2 पीस करके आएगा, और ये कॉर्नर पीस होगा, कॉर्नर पीस के लिए ये फोल्डिंग, ये दो पल्ला ऐसा होगा, ये दो पल्ले के बीच में जो होता है वो बीच में ये आएगा, ठीक है, वो कॉर्नर में फोल्ड करके ये पल्ला आएगा, उसके लिए ये होगा, और जो वॉल के साथ अटैच होगा वो इसके साथ ये होगा। और इसके देखिए हैंडल, देखिए ये हैंडल, और जो हम ये जो बट हिंस मैंने लगाए इसके साथ ये हैंडल होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ जी प्रोफाइल हमने नहीं लगाया। तो इसके साथ ये देखिए ये 7 पीसेस है, तो इसके साथ ये सेपरेट करके मुझे ख़रीदना पड़ा, ये स्क्रू, और ये हम वेंटिलेशन के लिए हमने जो जिसमें गैस आएगा, जिसमें गैस रखेंगे, गैस सिलेंडर रखेंगे, उसके लिए वेंटिलेशन के लिए, और कुछ कुछ पल्ला में वेंटिलेशन के लिए ये हम लगाएंगे। ये 6x4 जाली है, और क्या चाहिए, ये देखिए 3x4 एक पैकेट 3x4 ये स्टील स्क्रू है, देखिए इसका नंबर है 34 34, पौने एक ये चाहिए। ये थर्ड पार्ट में मैंने ये लाया, और ये जो प्लास्टिक का है ये मैंने रिटर्न करके दूंगा, क्योंकि इसका प्लास्टिक बड़ी है।